अगर मैं आपको सवाल करूं कि आप जी कहां रहे हैं, आप संसार में जी रहे हैं कि आप विश्वास में जी रहे हैं? जो विश्वास की दुनिया होती है वो सांसारिक दुनिया नहीं होती है, वो एक अलौकिक दुनिया होती है। बातों को समझ रहे हैं? हम जब विश्वास की भाषा में चलते हैं तो हमें संसार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। संसार की भाषा का अर्थ हुआ विवादों की भाषा, अपवाद की भाषा, गाली गलौज की भाषा हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, जरा ध्यान से सुनिएगा भाई, सब कुछ वचन के ऊपर आधारित है। अगर आज आप जिंदा हो तो वचन से जिंदा हो। यीशु मसीह ने मत्ती 4 में पहले ही समझा दिया, शैतान के सामने बोल दिया। प्रभु ने कहा, शैतान सुन, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, रोटी तो हम खाते हैं, पर केवल रोटी से ही नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से हम जिंदा है। लिखा है कि शैतान चला गया गुस्सा करके, क्योंकि वो सही उत्तर पा गया। जो शैतान आपके पास जब आया तो आपको भरमाने का काम करता है कि नहीं करता? तो उसको सही उत्तर देगा कौन? जब आप वचन को सुनेंगे तभी तो। इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से, कौन सी आज्ञा? जो आप वचन पढ़ रहे हो, जो आपके पास बाइबिल है, पवित्र शास्त्र है, आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर के वचन है, एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में छोटा कहलाएगा। मतलब उसकी हर परिस्थितियां छोटी कर दी जाएंगी, वो कभी बड़ा नहीं बन सकता। और जो कोई उनका पालन करेगा और वह उन्हें सिखाएगा, वह स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। आमीन कहिए। पड़ोसी को हाथ पकड़िए, महान बनना है कि छोटा बनना है? क्या बनना है? महान बनना है। आपकी संपत्ति आपके काम आए, ऐसा महान बना जा सकता है, ऊंचा उठा जा सकता है भौतिकता से? हाँ या ना? आपका बुद्धि सही चीजों के लिए इस्तेमाल हो, आप ऊंचे उठ सकते हैं। आपका विवेक शुद्ध है और कईयों के लिए उद्धार का कारण है, आप ऊंचे उठ रहे हैं, महान बन रहे हैं। आमीन। आपकी जीवन शैली को देख करके अगला भाई बहन अपने अंदर बदलाव ला करके ऊंचा उठ रहा है, ये जीवन शैली आपको महान बनाएगी। आमीन कहिए आप। और यहां अस्पष्ट प्रभु कह रहा है, अगर छोटी सी भी आज्ञा को कोई गलत व्यक्ति बता करके उसे फॉलो कराता है तो वो व्यक्ति छोटा कर दिया जाएगा। इसीलिए 100 बार दिमाग में सोच करके पवित्र आत्मा जो कहे उसी चीज को बोलना हमारे लिए अच्छा है। हाथों को उठा के बोलो हालेलुया। बातों को समझ रहे कि नहीं? अब हम ये ना सोचें कि हम अपने अनुसार या आपके इच्छा के अनुसार आपको वचन दें, मैं भी गलत हो जाऊंगा, आप भी गलत हो जाएंगे, क्योंकि ना तो मैं देता हूं, ना तो आप उस चीज को बताने के लिए कह सकते, क्योंकि यहां पर राजा कोई दूसरा है। कौन है राजाओं का राजा? और उसने जो हमें अपना संग में रहने के लिए पवित्र आत्मा दिया, वही है मेन पावर जो आपको हर बातें समझाने के लिए कहता है। आमीन कहिए आप। अब यहां नहीं लिखा कि कोई बड़ी आज्ञा, मतलब छोटी सी भी आज्ञा को अगर आप तोड़ करके और दूसरों को सिखाते हैं, दूसरों को बताते हैं, आपकी कीमत, आपकी वैल्यू परमेश्वर कम कर देगा। और जब आपकी वैल्यू कम होगा, शैतान आपको पकड़ लेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। आपका वैल्यूएशन, आपका महत्व जैसे ही कम होगा, दुष्ट आत्मा आपको पकड़ लेगा। साउल नाम के व्यक्ति को बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो? साउल नाम का व्यक्ति का वैल्यू कितना था? बहुत था। वो जब भी परमेश्वर से प्रार्थना करता था, परमेश्वर उसके सुन लेता था, ख्याल करके, ध्यान देकर। लेकिन एक आज्ञा को उसने तोड़ दिया, और वो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के दास ने कहा, तुम जहां जा रहे हो, जिसे हराने जा रहे हो, वहां से कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रहना चाहिए करके व्यवस्थाओं में, यहां तक कि कोई जानवर भी जीवित नहीं रहना चाहिए, सबको मार देना है, यहोवा की आज्ञा है। क्यों? क्योंकि वो प्राचीन शत्रु थे, ऐसे शत्रु थे जिन्होंने परमेश्वर के लोगों को सताया था। एक बात मैं और आपको बता दूं, परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है, कान खोल के सुनी लो, सोच लेना। अगर इसीलिए प्रभु कहता है तुम चुप रहो जी, तुम्हें कुछ नहीं बोलना, चुप और शांत रहा,
यहोवा बदला देगा। परमेश्वर कभी भूलता नहीं, आप भूल गए, हम भूल गए, वो कभी नहीं भूलेगा। अगर आपके शत्रु ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, आप भूल जाओ, आपके लिए फायदेमंद है, आपके लिए टॉनिक का काम करेगा, भोजन का काम करेगा, जब आप बुरे चीजों को भूल जाओगे। याद नहीं रखना है, मसीहत यही है, बुरे चीजों को कभी भी याद मत रखो, पिछले बुरे चीजों को कभी याद, मतलब कि उसे आप याद करके उन चीजों को केवल गवाही के लिए सोच सकते हो, परंतु उन गाली गलौज को, उन पाप की बातों को भूल जाओ, उन गुनाह की बातों को भूलो, वो हमारे लिए फायदेमंद है। परंतु याद रखना, यहोवा बदला लेने वाला परमेश्वर है, ऐसा बाइबल में लिखा है। अब परमेश्वर ने साउल से कहा कि मुझे बदला लेना है, क्योंकि मेरे लोगों को इसने सताया था कई साल पहले, और जाना मैं तुझे मौका देता हूं। आज वो स्ट्रांग है, आज वो बलवान है, आज वो आक्रमण करके उन्हें हरा सकता है, उन्हें भगा सकता है। प्रभु ने उन्हें बलवान कर दिया। कुछ समय के बाद प्रभु ने कहा, जाना वहां एक जानवर भी नहीं छोड़ना, सबके सब को मिट्टी में मिला दो, कुछ भी जीवित नहीं रहना चाहिए करके सैमुअल में कहता है। अब याद रखना है कि जैसी ये लोग जाते तो साउल क्या करता है, वहां से राजा को जीवित छोड़ दिया, और वहां के जो सुंदर हट्टे कट्टे चर्बीदार जानवर थे उन्हें अपने घर ले गया। हेलो, पड़ोसी को बोलो, ध्यान दे रहे हो कि नहीं? जो चर्बीदार जानवर थे, दूध देने वाली गायें थी, भेड़ बकरियां थी, उसे नहीं मारा और उसे अपने घर ले आया। अंदर की बात, शत्रु के हाथ में अगर जानवर है तो वो जानवर भी आपका क्या है? शत्रु है। वो जानवर भी, शत्रु जब पाप कर रहा है, शत्रु जब पाप के अधीन है, तो जानवर भी पाप के। हेलो, सुन रहे हो क्या आप? इसीलिए किसी का पैसा वैसा गिर जाए, ओ जी भैया तुम्हारा पैसा गिर गया, लेके जाओ भाई, ये मेरे काम का नहीं है। किसी का पैसा चोरी करके तुम ले रहे हो, कौन ऐसा आदमी है? तुम ले तो लिया, लेकिन याद रखो कि वो तुम्हें कभी भी शांति नहीं दे सकता। साउल ने पाप की चीजें अपने घर लाया, परमेश्वर ने कहा मार देना, दृष्टांत में उसने कहा सारी चीजों को मार देना, पाप की परिस्थिति को मार देना, उसे जीवित नहीं छोड़ना करके। पर जब साउल उधर पहुंचता है, हरा देता है सारे शत्रुओं को, पर वहां के राजा को और वहां के सुंदर सुंदर कहेंगे या मोटी ताजी भेड़ बकरियों को अपने घर ले आता है। परमेश्वर ने कहा तूने मेरी आज्ञा को तोड़ दिया। क्या कर दिया भाई? कितने लोगों को बातें समझ में आई? तूने मेरी आज्ञा को। और परमेश्वर का दास जब नबी आकर पूछता है, साउल क्या क्या किया, सब कुछ अच्छा है? हाँ प्रभु, सब कुछ अच्छा हमने किया, पर ये तुम्हारे घर के पीछे क्या हो रहा है, मिमिया रहा है कुछ चीजें, बैल बोल रहे, गायें बोल रही है, ये सब चीजें क्या हो रही हैं, कहां से आया? उसने कहा स्वामी, वहां कुछ चर्बीदार गायें थी, बैल थे, भेड़ बकरियां थी, बहुत सुंदर सुंदर थी, मैंने उसे अपने घर लेके आया ताकि परमेश्वर को बलिदान चढ़ाऊं। उसने कहा चुप, तू परमेश्वर को पाप का बलिदान चढ़ाएगा? हाँ बोला, बताओ आप क्या परमेश्वर को पाप का बलिदान चढ़ाएंगे? पाप की कमाई से बलिदान चढ़ाओगे, एक भी फायदा नहीं मिलेगा, सब कुछ बेकार जाएगा। यहोवा के सामने, यहोवा पवित्र है, और उसके सामने अपनी मेहनत का, कमाई का बलिदान चढ़ाओ, ये ऐसा चाहता है ताकि उसमें बरकत ठहरे। पाप की परिस्थिति में बरकत रुकेगा क्या? बोल के बताना है, पाप की परिस्थिति में आशीषें ठहरेंगी क्या? कभी नहीं ठहरेंगी। अपने बचाने के लिए, बचाव के लिए साउल कितना बड़ा झूठ का सहारा ले रहा है, या हम कहें चलाकी का सहारा ले रहा है। हाँ मैं सोचा कि इस जानवरों को परमेश्वर के लिए क्या करेंगे, बलिदान चढ़ाएंगे। परमेश्वर का दास बोला अच्छा, परमेश्वर को भी लपेटने का प्रयास कर रहे हैं। मनुष्य कितना चालाक है भाई,
मैं एक गवाही बता रहा था आपसे। एक प्रभु के दास थे जो किसी गांव में प्रेयर के लिए जा रहे थे, और वहां पर एक स्त्री थी जो मदिरा बनाती थी, दारू, जानते हो कि नहीं जानते हो? और वो दारू बनाकर के जो इनका माता था वो परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोती थी। वो एक महीने बीता, दो महीने बीता, तीन महीने बीता, कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा है करके शिकायत बनी रही। परमेश्वर का दास सोचा कुछ हमें बड़ा दबाव सा महसूस हो रहा है, क्योंकि इस स्त्री के जीवन में मैं देखता हूँ ये लगा अपना टाइड बहुत ही अपना दशवांश को बहुत ही टाइमली बोती है, पर इसके लिए अभी कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, चल कर देखते। प्रभु के दास जब उसके घर जाकर पता किया तो ये पता हुआ कि वो मदिरा बेचकर, दारू बेच करके परमेश्वर के राज्य के लिए बलिदान चढ़ाती है। परमेश्वर के दास ने बहुत डांटा और उसे समझाया और कहा, सुन परमेश्वर, तू जो मदिरा बनाती है इससे लोग पीते हैं और मर जाते हैं, कितनी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं इसको पीने के बाद, परिवार टूट जाता है, ये तू क्या चीज कमा रही है अपनी लाइफ में, और तू इसका फायदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कर रही है, असंभव। पड़ोसी को बोलो, असंभव है ये चीजें असंभव है कि परमेश्वर झूठ की बातों से, पाप की बातों से खुश हो। और वही काम साउल करने का प्रयास किया कि चलो भाई, परमेश्वर की आज्ञा को थोड़ा बहुत तो तोड़ा ही है, इसी को हम क्या करते हैं, चलो हम दे देंगे प्रभु को, प्रभु खुश हो जाएगा। ना, पड़ोसी को बोलो नहीं खुश होगा। अच्छे से पड़ोसी को बोलो नहीं खुश होगा। विपत्ति का रास्ता खुल जाएगा, खुल जाएगा कि नहीं खुल जाएगा? इसलिए मैं सख्त मना करता हूं, कोई भी पाप से पैसा कमाया हुआ आप बलिदान नहीं चढ़ाना, परमेश्वर को भेंट नहीं देना, तुम्हारा भेंट स्वीकार नहीं है। मैं हमेशा से डांटता और समझाता आपको आया हूं, क्योंकि यहां कोई लालची आदमी नहीं बैठा। अजी चल कहां से आया, दे दे दे, कुछ भी दाएं बाएं से मिले, जेबा में कुछ तो आए, यहां ऐसा कोई नहीं है। और इसीलिए यहाँ लाखों व्यक्ति आकर उद्धार पाते, यीशु के नाम में आमीन। इसीलिए मैं आपसे मिल पाऊं या ना मिल पाऊं, आपके ऊपर हाथ रखूं या ना रखूं, लेकिन आप वर्ड को अगर सुनने के लिए बैठे हो, वचन को सुनने के लिए आते हो, अपनी लाइफ को स्ट्रांग बनते हुए आप देखोगे यीशु के नाम में, क्योंकि ये प्रभु है जो आपसे बात कर रहा है, ये पवित्र आत्मा है जो आपसे बात कर रहा है। आप हमारे लोगों को ऐसे अपने घर नहीं बुला पाएंगे, आ जाओ जी हम तुमको 1,000 देते हैं, हमारे घर आके प्रार्थना कर जाओ, तुम्हारा 1,000 तुम्हारे पास, तुम्हारे घर कोई नहीं जाएगा, क्योंकि तूने परमेश्वर का अनादर किया है। इसीलिए जब भी आप रिक्वेस्ट भेजते हो, और जी आप मेरे घर आइए, आपको स्लिप मिलती होगी, मिलती है कि नहीं? अगर वो स्लिप है तब तो आपके पास कोई जा सकता है, क्योंकि आप परमेश्वर को जब तक बहुमूल्य नहीं समझोगे आप कभी बहुमूल्य नहीं बनोगे। समझ रहे कि नहीं? हाँ, हम ऐसे नहीं जा सकते आपके यहां, हमारे लोग आपके यहां नहीं जा सकते। हाँ, सुसमाचार सुनाने की अलग पद्धति है, सुसमाचार सुनाने के लिए कोई भी आपसे मिल सकता है, कोई भी आपसे बात कर सकता है, लेकिन यदि आप अपने घर में अब्राहम के जैसा, कि अब्राहम ने अपने घर में दूतों का आदर किया, उसकी पत्नी जो 90 साल की थी संतान को जन्म दिया, ये प्रतिफल आप में मिलता है यीशु के नाम में। अब ऐसा समझोगे और जी घास लेट पास्टर आया है, अरे चलो ये हमेशा तो आता जाता रहता है, चलो आ जाओ 50 रुपया देकर विदा कर देंगे। भैया कितना किरावा हुआ तुम्हारा? अरे अंदाज लो ना, 100 रुपया ना, 100 रुपये जाना, 200 रुपया दा पास्टर साहब, घर में खुशी खुशी चले जाएंगे। आपने अब मैं नहीं जानता कि उसे कैसे आप डील करेंगे, परंतु मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूं कि आप में कुछ भी अगर ऐसा है तो आपने बहुमूल्य नहीं समझा यीशु मसीह को। जो चीजें अगर देर से आती हैं पर भली आती हैं वो सही है आपके जीवन के लिए। बातों को समझ रहे कि नहीं? कहावत है देर आए पर दुरुस्त आए। यार भैया घर देर में बना लेकिन ठीक बना, नहीं तो कच्चे गारा लपेटे जाते रहे तो
ना परमेश्वर बल देगा कि आप पक्के गारा से घर बनाओ, जल्दबाजी मत करो। परमेश्वर जो काम करता है अधूरा नहीं, पूरा। हाथ उठा के बोलो धन्यवाद यीशु। क्या करने यीशु मसीह आया? पूरा करने। लेकिन आज्ञा अगर आपने मिस किया तो बाइबल कहती है आप छोटे कर दिए जाओगे। आप छोटे कर दिए जाओगे, आपकी उपलब्धियां भी छोटी हो जाती हैं। हेलो, बातों को समझ रहे हैं क्या? अगर आपने आज्ञा मिस किया आप छोटे कर दिए जाएंगे, ऐसा हमने पढ़ा भी। अगर आप किसी एक आज्ञा को तोड़ते हैं तो आप छोटे कर दिए जाएंगे परमेश्वर के राज्य के लिए। और यदि आप आज्ञा को मानते हैं आप महान बना दिए जाएंगे। आप जहां पर भी हाथ डालेंगे वहां से आशीषें मिलेंगी। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।